एबीपीएस न्यूज। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति व आरक्षण मुक्त भारत के नेतृत्व में आज सैकड़ों पदाधिकारियों व सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बलरामपुर को सौंपा। कार्यक्रम आयोजक व समिति के प्रदेश प्रमुख महासचिव प्रधान संघ जिलाध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी ने कहा कि सवर्णों को पहले से ही SC ST कानून में अक्सर फंसाया जाता है। कानून में हुए इस संशोधन से सवर्णों को और भी प्रताड़ित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के याचिका का हवाला देते हुए बताया कि सरकार को 20 मार्च 2018 के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखकर कोर्ट की गरिमा बनाए रखना चाहिए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बलरामपुर ही नहीं अपितु पूरे देश में सवर्ण भीषण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस दौरान मुख्य रूप से संरक्षक सेतु बंधु त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी, जिला महासचिव विश्वनाथ शुक्ल, अरुण कुमार पांडे, शैलेश तिवारी, सत्यदेव पाठक, विजय प्रताप शुक्ल, दिनेश व्यवस्था वो लागू कर रही है सरकार, उसमें ऐसा होगा कि वो हमसे अलग हो जाएंगे, इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखेंगे। मिशन 2019 अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। जी क्या क्या समस्याएं? नहीं, इसमें विभाजन होगा, हिंदुओं का बंटवारा होगा, आपसी तालमेल नहीं रहेगा, सामाजिक व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसमें कुरीतियाँ फैलेंगी, हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। ये चुनाव की राजनीति के लिए किया ही जा रहा है, ये सब भाजपा वोट की राजनीति के लिए कर रही है और सारी पार्टियां उसी में सम्मिलित है, इसीलिए हम लोग नोटा का बटन इस बार दबाएंगे। अब लग तो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि उनको नहीं चाहिए और आने वाला लोकसभा सराबस्ती में सबसे ज़्यादा जो है नोटा इस बार पाया जाएगा। एक और कापी करा लो।